डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के ऑनलाइन कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक और शिक्षा नीतियाँ, टीचर एंड एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आप लोग के यूनिट 5 में पढ़ना है। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा नीति के बारे में, देश में पहली शिक्षा नीति कब बनी थी? 1968 में, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम 1969 की शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम थी। क्या थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1969 की शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम थी। देश के शिक्षा प्रणाली के मुख्य अधिकारियों तथा शिक्षाविदों ने यह अनुभव किया कि वास्तव में यदि भारत 21वीं सदी में जाना चाहता है तो हमें एक नई शिक्षा नीति की जरूरत पड़ेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मुख्य अधिकारियों तथा शिक्षाविदों का यह मानना था कि दूसरे देशों तथा विकसित देशों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है तो हमें अपनी शिक्षा पद्धति में पूर्ण रूप से सुधार करना होगा। इसी बात की गहराई को समझते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1968 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इस पर भी अमल शुरू हो गया था तथा कई प्रांतों ने अपने अपने ढंग से 10+2+3 की शिक्षा संरचना भी लागू कर दी थी। क्या कर दिया था? 1968 में जो शिक्षा नीति बनी उस पर लगभग पूरे प्रदेशों में, भारत के जितने भी प्रदेश, उसमें काम शुरू भी हो गया था। 10+2+3 की शिक्षा संरचना भी लागू कर दी गई थी। त्रिभाषा सूत्र को भी लागू कर दिया गया था। कई प्रांतों में कृषि, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और वैज्ञानिक शोधों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने लगे थे। आधुनिकीकरण के नाम पर विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। क्या कर दिया गया था? आधुनिकीकरण के नाम पर 1968 में जो शिक्षा नीति बनी थी उसमें आधुनिकीकरण के नाम पर विज्ञान और गणित की शिक्षा को अनिवार्य कर दी गई थी तथा शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कदम उठाए जाने लगे थे। क्या किया गया था? सबको एक समान शिक्षा मिले उसके लिए कदम, तरह तरह के अनेक कदम उठाए गए थे। परंतु 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने पर 10+2+3 की शिक्षा संरचनाओं के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना पर विचार किया गया। क्या किया गया? 1977 से पहले केंद्र में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी वह 10+2+3 शिक्षा की संरचना लागू की थी। परंतु 1977 में जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार
के बाद कांग्रेस की सरकार के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार ने 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना पर विचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ शिक्षाविदों और सांसदों के सहयोग से तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चंद्र चंदन ने एक नई शिक्षा नीति 1979 की घोषणा की। क्योंकि तत्कालीन सरकार ने 1969 के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चंद्र चंदन ने एक नई शिक्षा नीति 1979 की घोषणा की, 1979 में एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इसे अभी लागू भी नहीं किया गया था कि 1980 में केंद्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई और वह पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपालन पर जोर दिया। ठीक है, जो 1979 में जो नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी वो उसको अभी लागू भी नहीं किया गया था, तब तक केंद्र में फिर कांग्रेस की सत्ता वापस आ गई और उन्होंने जो 1969 में नई शिक्षा नीति बनाई थी उसी के अनुपालन पर जोर देने लगे। परंतु इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या हुआ, भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने पर हर क्षेत्र में आंदोलनकारी कदम उठाने का प्रयास किया गया, जिसमें शिक्षा के पुनर्निरीक्षण और पुनर्गठन प्रक्रिया में भी तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराकर उसे शिक्षा की चुनौती नीति परिपेक्ष नाम से प्रकाशित कराया गया। क्या कराया गया, राजीव गांधी ने जब प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने हर क्षेत्र में क्या किया गया, क्रांतिकारी कदम उठाने का प्रयास किया ताकि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। तो हर क्षेत्र के साथ साथ उन्होंने शिक्षा के पुनर्निरीक्षण और पुनर्गठन की प्रक्रिया में तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराकर इसे शिक्षा की चुनौती नीति परिपेक्ष नाम से प्रकाशित किया, जिसमें भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का चित्रण करते हुए उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचना किया गया। क्या किया गया, जो शिक्षा की चुनौती नीति नाम से प्रकाशित किया गया था, शिक्षा की चुनौती नीति परिपेक्ष नाम से जो प्रकाशित किया था उसमें भारतीय शिक्षा की 1951 से लेकर 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं तथा सफलताओं का चित्रण करते हुए उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया गया। सरकार ने इस दस्तावेज पर विश्वव्यापी बहस शुरू की हुई और सभी राज्यों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त किए गए। जो दस्तावेज तैयार किए गए उस पर विश्वव्यापी बहस किया गया और सभी राज्यों सभी प्रांतों से भिन्न भिन्न क्षेत्रों से क्या किया गया, सुझाव प्राप्त किए। केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। क्या किया, जो सुझाव आए थे उसके आधार पर, उस सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की गई और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। संसद में प्रस्तुत करने के बाद 25 मई 1986 में इसे पास कराया गया। क्या किया गया, संसद में इसे प्रस्तुत करने के बाद इसे 25 मई 1986 में क्या किया गया, संसद से पास कराया गया। यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ साथ उसके कार्यान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई है तथा इसके लिए पर्याप्त संसाधन भी जुटाए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे देश में जो 1986 की शिक्षा नीति जो बनी उसे आज के डेट में हम नई शिक्षा नीति
के नाम से जानते हैं करते हैं। चूंकि देश की शिक्षा, हम जानते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की शिक्षा प्रणाली क्या में अमूलचूल सुधार की आवश्यकता थी। तो जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो देश के शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए शिक्षा से संबंधित मुख्य अधिकारियों तथा शिक्षाविदों ने यह अनुभव किया कि वास्तव में यदि भारत 21वीं सदी में जाना चाहता है वह तथा वह दूसरे विकासशील तथा विकसित देशों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विदेशी स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता है तो उसे अपनी शिक्षा पद्धति में पूर्ण रूप से सुधार करना होगा। क्या करना होगा? अपनी शिक्षा पद्धति में पूर्ण रूप से सुधार करना होगा। इसी बात को गहराई से समझते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 5 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम प्रसारण में घोषणा की। कब की? तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 5 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम प्रसारण में घोषणा की, परंतु इस घोषणा से पहले उन्होंने शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों, शिक्षा शास्त्रियों तथा बुद्धिजीवों से उस पर विस्तार से चिंतन करने को कहा तथा उनके सुझावों को क्या किया गया? आमंत्रित किया, जैसे मैंने पहले ही बताया है। इस चिंतन के तहत जो सहमति बनी उसे मई 1985 में भारतीय संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक मत से पास कर दिया। बाद में राजीव गांधी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा के दौरान कहा था कि क्या कहा था राजीव गांधी जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा के दौरान कहा था कि हम भारत के लोगों को एक ऐसी शिक्षा नीति देने जा रहे हैं, हम भारत के लोगों को एक ऐसी शिक्षा नीति देने जा रहे हैं जो भारत देश को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए, क्या हम ऐसी शिक्षा नीति देने जा रहे हैं जो भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्थिक तथा वैज्ञानिक तौर पर मजबूत तथा सशक्त बनाने में सक्षम होगी। तथा उन्होंने आगे कहा, शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता तथा कार नैतिकता का विकास होनी चाहिए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भव्यता तथा राष्ट्रीय एकता में उसका महत्व प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम तथा पाठ पुस्तकों द्वारा संयुक्त संस्कृति की प्रांतीय तथा सांप्रदायिक व्याख्या को दबाया जाना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने घोषणा से पहले क्या कहा? उन्होंने कहा, शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता तथा कार नैतिकता का विकास होना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भव्यता तथा राष्ट्रीय एकता में उसका महत्व प्रत्येक विद्यार्थी तक क्या होना चाहिए? पहुंचना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम तथा पाठ पुस्तकों द्वारा संयुक्त संस्कृति की प्रांतीय तथा सांप्रदायिक व्याख्या को दबाना चाहिए। अर्थात उन्होंने कहा था कि हम भारत को एक ऐसी शिक्षा नीति देने जा रहे हैं जो 21वीं सदी की चुनौतियों को सामना करने के लिए, 21वीं सदी की चुनौतियों को सामना करने के लिए तथा आर्थिक तथा वैज्ञानिक तौर पर सशक्त या मजबूत बनाने में क्या होगी? सक्षम होगी। इस प्रकार 25 मई 1986 को भारतीय संसद द्वारा नई शिक्षा नीति संसद से पास करा दिया गया और वह नई शिक्षा नीति के नाम से हम जानते हैं, जिसे हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से हम जानते हैं। अब हम आते हैं नई शिक्षा नीति
1986 की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। नई शिक्षा नीति की क्या क्या विशेषताएं थी, जो 1986 में जो नई शिक्षा नीति बनी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो नई शिक्षा नीति 1986 का गठन शिक्षा की चुनौतियों के रूप में किया गया था। कब किया गया था? नई शिक्षा नीति 1986 का गठन शिक्षा की चुनौतियों के रूप में किया गया था। अतः भारत की शिक्षा व्यवस्था पर अस्थायी एवं व्यापक प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? व्यापक प्रभाव पड़ा। नई शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, स्वतंत्रता के उपरांत अर्थात आजादी के बाद प्रथम बार शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसमें शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया तथा शिक्षा के को मजबूत बनाकर उस देश की अनुरूप परिस्थितियों में ढालने का प्रयास किया गया। क्या किया गया? स्वतंत्रता के उपरांत के बाद प्रथम बार शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जिसमें शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन पर क्या दिया गया? क्रियान्वयन पर बल दिया गया तथा शिक्षा को मजबूत बनाकर उसे देश के अनुरूप परिस्थितियों में ढालने का प्रयास किया गया था। तो ऐसा शिक्षा नीति बनाया गया जो देश के परिस्थितियों के अनुरूप हो, जिससे कि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। दूसरी विशेषता, इसके द्वारा एक निश्चित स्तर तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को क्या दिया गया? प्रारूप दिया गया। इसके द्वारा क्या किया गया? एक निश्चित स्तर तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप दिया गया जिससे कि देश के पाठ्यक्रम में एक रूपता, अर्थात जो नई शिक्षा नीति 1986 में बनाया गया उसमें यह प्रयास किया गया कि पूरे देश का पाठ्यक्रम क्या हो? एक समान हो, अर्थात पूरे देश के पाठ्यक्रम में एक रूपता हो, अर्थात पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम को लागू करने का प्रयास किया गया, उस पर जोर दिया गया कि पूरे देश का पाठ्यक्रम एक समान हो। तीसरी व्यवस्था, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, नई शिक्षा नीति में 10+2+3 की एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिशें की गई जिससे देश के प्रत्येक भाग में इसे स्वीकार कर लिया गया। नई शिक्षा नीति में क्या किया गया? 10+2+3 की एक नई शिक्षा संरचना की सिफारिश की गई जिसे देश के प्रत्येक भागों में स्वीकार कर लिया गया। 10+2+3 का मतलब होता है 10 साल मैट्रिक प्लस 2 साल इंटर प्लस 3 साल ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक की शिक्षा दी जाएगी, अर्थात 10+2+3 की शिक्षा संरचना को लागू कर दी गई। चौथी विशेषता है, इसमें शिक्षा द्वारा पर्यावरण रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए गए। जो नई शिक्षा नीति 1986 बनी उसमें पर्यावरण शिक्षा पर भी बल दिया गया ताकि हम पर्यावरण की रक्षा और उसमें पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए हम क्या अपने आप को जागरूक कर सके, अर्थात क्या कर सके, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास कर सके, अर्थात विशेष प्रयास किए गए हैं। उसके बाद नई शिक्षा नीति में विषमताओं को दूर करके शैक्षिक समानता लाने का संकल्प किया गया। क्या किया गया? नई शिक्षा नीति में विषमताओं को दूर करके शैक्षिक समानता लाने का क्या किया गया? संकल्प किया गया तथा जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों एवं वर्गों को एक समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने का दृढ़ संकल्प लिया गया है। जो 1986 में जो नई शिक्षा नीति बनी उसमें
विषमताओं को दूर करके शैक्षिक समानता लाने का संकल्प लिया गया था। सबको एक समान शिक्षा मिले, चाहे वो उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे अछूत वर्ग को, सबको एक समान शिक्षा देने का संकल्प 1986 के शिक्षा नीति में लिया गया, जिसमें महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जातियों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, विकलांगों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों एवं वर्गों को एक समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने का क्या किया गया, दृढ़ संकल्प किया गया है। उसके बाद नई शिक्षा नीति 1986 में बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को रोकने तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। 1986 में शिक्षा नीति बनी, उसमें देश में बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को रोकने का भी प्रयास किया गया है। उसके लिए विश्वविद्यालय में क्या किया गया, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। क्या किया गया, शिक्षा में, शिक्षा के स्तर पर हमें वैसी शिक्षा की व्यवस्था की गई, वैसी शिक्षा व्यवस्था की गई जो क्या हो, व्यावसायिक शिक्षा को, अर्थात पढ़ने के साथ साथ हमें वह शिक्षा रोजगार भी उपलब्ध कराए, वैसी शिक्षा व्यवस्था पर क्या किया गया, जोर दिया गया। उसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गिरावट को बचाने हेतु हर संभव प्रयास किए गए। आए दिन हम देखते हैं कि क्या होता है, उच्च शिक्षा में गिरावट आ रही है, दिन प्रतिदिन उच्च शिक्षा में गिरावट आ रही है। तो उस समस्या से निपटने के लिए, अर्थात नई शिक्षा में उच्च शिक्षा की गिरावट को बचाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ऐसा संकल्प लिया गया। इसके लिए विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश ग्रहण क्षमता के आधार पर होगा। क्या होगा, विश्वविद्यालय जो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें छात्रों का एडमिशन कैसे होगा, उनकी क्षमता, प्रवेश ग्रहण क्षमता के आधार पर, अर्थात इंट्रेंस, उनका इंट्रेंस एग्जाम होगा। शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाया जाएगा, अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधियां जो है उसको क्या किया जाएगा, प्रभावी बनाया जाएगा। शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन होगा तथा उच्च कोटि के शोध कार्यों को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या, क्या क्या संकल्प लिया गया, उच्च शिक्षा की गिरावट को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, अर्थात उच्च शिक्षा की गिरावट को बचाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए क्या होगा, विश्वविद्यालय में जो एडमिशन होगा वो उनके एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होगा तथा शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाया जाएगा। शिक्षकों के कार्यों का क्या होगा, मूल्यांकन किया जाएगा तथा उच्च कोटि के शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके बाद नई शिक्षा नीति 1986 की यह विशेषता है कि उसके विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी। क्या की जाएगी, नई शिक्षा नीति 1986 में यह संकल्प किया गया है कि उसके विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाएगी। क्रियान्वयन की प्रगति और समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच हेतु मध्यावधि मूल्यांकन भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जो नई शिक्षा नीति 1986 में बनी उसका हर एक 5 वर्षों पर क्या किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो मध्यावधि मूल्यांकन भी उनका किया जाएगा। तो हमारी नई शिक्षा नीति 1986 की जो कुछ महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब मैं इनके 1986 में जो महत्वपूर्ण शिक्षा नीति बनी उसका हम अगर सारांश ग्रहण करते हैं तो हमें निष्कर्ष के तौर पर यह हम समझ सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 1986 में आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास का क्या किया गया, नींव रखा गया है। अर्थात क्या किया गया, नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों के भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास का पर भी जोर दिया गया है। अर्थात नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा विद्यार्थियों के भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास का आधार है। विद्यार्थियों को इस भौतिक दुनिया में रहना सिखाती है तथा साथ ही साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी होता है।
उसके बाद शिक्षा सबके लिए अनिवार्य था। 1986 की शिक्षा नीति जो बनी उसका यह महत्व को समझते हुए शिक्षा सबके लिए अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है, जिससे कि मानव शक्ति का विकास हो सके ये और समाज में क्या हो सके, संतुलन स्थापित किया जा सके, देश क्या हो सके, देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके कर सके। उसके बाद हम आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है टीचर एजुकेशन, उसके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। टीचर एजुकेशन क्या होता है, अध्यापक शिक्षा। अब तो हम लोग तो शिक्षा नीति के बारे में समझ गए, अब हमें पढ़ना है अध्यापक शिक्षा। अध्यापक शिक्षा के महत्व को 1986 के शिक्षा नीति में विशेष महत्व दिया गया है। नई शिक्षा नीति इस बात को स्वीकार करती है कि देश के निर्माण तथा उन्नति में अध्यापकों का क्या है, विशेष योगदान है। क्या है, अध्यापकों का विशेष योगदान है। नई शिक्षा नीति 1986 में यह स्वीकार किया गया है कि देश के निर्माण तथा उन्नति में अध्यापकों का विशेष योगदान है। राष्ट्र का भविष्य अध्यापकों पर निर्भर करता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया, अर्थात निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें पहला है अध्यापकों की चयन पद्धति में आवश्यक सुधार करके योग्य अध्यापकों को भर्ती किया जाएगा। क्या छोड़ रहेगा, अध्यापकों की चयन पद्धति में आवश्यक सुधार करके योग्य अध्यापकों की भर्ती करना, अर्थात 1986 की जो शिक्षा नीति बनी उसमें यह इस बात पर जोर दिया गया कि अध्यापकों की जो नियुक्ति होगी उसमें आवश्यक सुधार करके योग अध्यापकों की नियुक्ति पर क्या किया जाएगा जोर दिया गया है, ताकि हमारे स्कूलों कॉलेजों एवं अन्य संस्थानों में जो टीचर आए उनमें क्या हो, योग्यता से पूर्ण हो, अर्थात वैसे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जिनमें उस विषय के अनुरूप उनमें योग्यता क्या हो, योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अध्यापकों के लिए उचित वातावरण का प्रबंध किया जाएगा, ताकि वे बिना किसी व्यवधान के उच्च स्तर के नागरिक बना सके। क्या किया जाएगा, इस बात के पर ध्यान दिया गया है, जो शिक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अर्थात अध्यापकों के लिए उचित वातावरण का प्रबंध किया जाएगा, ताकि वे बिना किसी व्यवधान के उच्च स्तर के नागरिक को तैयार कर सके, अर्थात वैसे नागरिक को तैयार कर सके जो देश के विकास में अपना योगदान दे सके। तीसरा, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा के लिए पहले से कार्यरत अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय बिना बाहरी हस्तक्षेप के कार्य करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, अर्थात पहले से जो हमारे देश में हमारे राज्य में जो स्थापित प्राथमिक विद्यालय है महाविद्यालय है उसमें जो अध्यापकों की शिक्षा के लिए कार्यरत अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के क्या करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, अर्थात उनको समाप्त नहीं किया जाएगा। अध्यापकों की शिक्षा के लिए बनाए गए कुछ महाविद्यालयों को संयुक्त संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां उच्च माध्यमिक के बाद 5 वर्षीय एकीकृत कोर्सों की व्यवस्था पहले से चल रहे बीएड तथा एमएड कोर्सों के अतिरिक्त होगी। क्या होगी, वैसा व्यवस्था किया जाएगा जो 5 वर्षों में एकीकृत कोर्स कराया जाएगा, जो पहले से चल रहे बीएड और एमएड कोर्सों के अतिरिक्त होगा। उसके बाद नई शिक्षा नीति 1986 में
इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अध्यापकों की कार्य स्थितियां तथा आवासीय स्थितियों में आवश्यक सुधार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अध्यापक जो कार्य करने की स्थितियां हैं तथा उन्हें उनके रहने सहने की जो स्थितियां हैं उनके अर्थात उनके लिए आवासीय परिसर की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था किया जाएगा, अर्थात उनमें आवासीय स्थितियों में आवश्यक सुधार किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में अध्यापकों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में अध्यापकों का सक्रिय अर्थात पूर्ण सहयोग लिया जाएगा। उसके बाद अध्यापकों से संबंधित सब हर प्रकार की समस्याओं तथा शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल किया जाएगा। अध्यापक से संबंधित जितने भी तरह के समस्याएं हैं, जितने भी उनकी शिकायतें हैं, उनको प्रभावी ढंग से हल किया जाएगा। उसके बाद शिक्षा के प्रबंध में अध्यापकों को सम्मिलित किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था के प्रबंधन में भी क्या किया जाएगा? अध्यापकों का सहयोग लिया जाएगा। उसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना केवल उस उद्देश्य से की जाएगी जहां प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। क्या किया जाएगा? जिला अध्यापक एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना केवल इस उद्देश्य से की जाएगी जहां पर केवल प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। अर्थात इस उद्देश्य से प्राथमिक जिला प्राथमिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी जहां पर प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। उसके बाद इन संस्थानों को आधुनिक तकनीकों के उपकरणों जैसे कंप्यूटर, VCR एवं दूरदर्शन आदि से जोड़ा जाएगा। ये संस्थान प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए पूर्व सेवाकालीन तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? इन संस्थानों को, जो भी संस्थान बनाया जाएगा, उनको आधुनिक उपकरणों से क्या किया जाएगा? लैस किया जाएगा, जिससे कि ये संस्थान प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए पूर्व सेवाकालीन तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए क्या हो सके? अपने आप को उपयोगी साबित कर सके। इसके अतिरिक्त जो संस्थाएं अर्थात ये संस्थाएं उन कार्यक्रमों के लिए भी उपयोगी कोर्सों का संचालन करेंगी जो निरपचारिक शिक्षा तथा पौध शिक्षा के कार्यक्रमों में भी काम कर रहे हैं। अर्थात उन संस्थानों के लिए ये संस्थान उन कार्यक्रमों के लिए भी उपयोगी कोर्सों का संचालन करेगी जो कि निरपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के काम में काम कर रहे हैं। अर्थात निरपचारिक शिक्षा जो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको निरपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो उन शिक्षा माध्यमों के द्वारा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों में जो कार्य कर रहे हैं उनमें भी इनका सहयोग लिया जा सकेगा। उसके अतिरिक्त अध्यापकों को सम्मान तथा उनके व्यवसायिक महत्व के संरक्षण और उनके व्यवसायिक दुराचरण के उपचार के लिए अध्यापक संगठनों का सक्रिय उपयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अध्यापकों के सम्मान की रक्षा की जाएगी तथा उनके व्यवसायिक महत्व के संरक्षण और उनके व्यवसायिक दुराचरण के उपचार के लिए अध्यापक संगठन का सक्रिय उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अध्यापकों के लिए आचार संहिता का निर्माण कर उसे लागू करने का प्रावधान किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 1986 में जो नई शिक्षा नीति बनी उसमें विद्यार्थियों के साथ साथ बच्चों के साथ साथ अध्यापकों के लिए भी विशेष व्यवस्था किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 1986 में जो नई शिक्षा नीति बनी वो देश के शिक्षा के इतिहास में क्या हुआ, एक मील का पत्थर साबित हुआ है जो कि शिक्षा के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। अर्थात क्या हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थात
जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जितने भी शिक्षा नीति बनी उसमें 1986 की शिक्षा नीति सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा नीति है, जो कि आज के डेट में, आज के समय में नई शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। ये शिक्षा नीति जो 1986 में बनी, यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ साथ उसके कार्यान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई है तथा इसके लिए पर्याप्त संसाधन भी जुटाए गए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो देश के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है।